सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं, बेस्ड है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। और उम्मीद करता हूं आज के सेशन के अंदर हम बहुत टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेड ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस आप देख सकते हैं और वहां से बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पीच थेरेपिस्ट पर है। yes, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि स्पीच थेरेपिस्ट को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? यस सर। सर, स्पीच थेरेपिस्ट को एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मैं आपसे टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन पूछूं, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप स्पीच थेरेपिस्ट क्यों बनना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर, मैं बचपन से काफ़ी क्रिएटिव माइंड रही हूँ, मैं काफ़ी हेल्पफुल नेचर की हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल टाइम से ही मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसे प्रोफेशन को चुनूँ जिसमें सोसाइटी के लिए कुछ हेल्प हो। राइट। जैसे मैं डॉक्टर और टीचर में से कुछ एक बनना चाहती थी, तो इस फील्ड में मैं डॉक्टर्स और टीचर्स के साथ भी वर्क करना मुझे करना होगा और मैं चिल्ड्रंस के साथ भी कैसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मुझे बच्चे भी बहुत पसंद है। Good. और ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है, इसीलिए मैंने सर इस प्रोफेशन को चुना। ओके, आप किसी से इम्प्रेस हुए इस जॉब में, किसी को आपने देखा इसके अंदर? सर यस सर, जब बचपन में मैं छोटी थी तब मुझे भी इस तरीके की प्रॉब्लम थी जिसमें मैं अपने वर्ड्स को क्लियर तरीके से नहीं बोल पाती थी। okay. उस टाइम पे मेरे एक टीचर आते थे जो एक खुद थेरेपिस्ट थे, स्पीच थेरेपिस्ट, मुझे घर पर ट्रीट करने के लिए आते थे, इसलिए मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हुई, मुझे उनका नेचर, उनका जो सिखाने का वे था वो बहुत पसंद था सर। ओके, तो आपने सोचा क्यों ना मैं भी इसमें अपना करियर बनाऊं? यस सर। ओके, क्या आप कुछ रोल बता सकते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट का रोल क्या होता है? श्योर सर। सर, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो एक तरह के ट्रेनर पर्सनल होते हैं। ओके। ये बच्चों से रिलेटेड जो स्पीच संबंधित जो बीमारी डिसऑर्डर्स होते हैं उन पर वर्क करते हैं। बिल्कुल। सर, इसमें बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे स्क्रीनिंग, असेसमेंट, कंसल्टेशन एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। सर, दे वर्क्स ऑन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क किया जाता है। जिन बच्चों में ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्वेलिंग की प्रॉब्लम्स होती है उनको भी ट्रीट किया जाता है। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो थेरेपी है क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए होती है? नो सर, ये जो बहुत से एडल्ट होते हैं उनके लिए भी है जो इन डिसऑर्डर से शिकार होते हैं, जैसे फ्लुएंसी डिसऑर्डर जिसमें हकलाते हैं लोग, और एक होता है क्रिएटिव डिसऑर्डर जिसमें वर्ड्स को क्लियर तरीके से नहीं बोल पाते हैं। ओके ओके, यू मीन देयर आर टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स, फ्लुएंसी डिसऑर्डर एंड क्लैरिटी डिसऑर्डर। यस सर। ओके, अच्छा कुछ डिसऑर्डर्स के नाम बता सकते हैं आप? श्योर सर। सर, स्टैमरिंग एंड स्टटरिंग डिसऑर्डर, ओके, वॉइस प्रॉब्लम्स, वॉइस डिसऑर्डर्स एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स एंड चीफ लिफ्ट सर, लैंग्वेज डिले एंड फ्लुएंसी प्रॉब्लम। ओके, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स के नेम आप बता। यस सर। ओके, चलिए आप किन के साथ काम करते हैं, मींस आपका जो प्रोफेशन है वो किन के साथ अटैच है, किन प्रोफेशंस के साथ अटैच? सर, हमें टीचर्स और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स, नर्स और साइकोलॉजिस्ट, उनके साथ वर्क करना पड़ता है। ओके, अपेक्षिया और अप्रेक्षिया, इसमें डिफरेंस क्या है? सर, अप्रेक्षिया इफेक्ट्स ऑन लैंग्वेज स्किल्स, जैसे एग्जांपल फॉर स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग एंड कम्युनिकेशन। ओके, एंड जो अप्रेक्षिया होती है वो फोकस ऑन मोटर स्पीच प्रोडक्शन, जैसे जो वर्ड्स हम क्लियर तरीके से नहीं बोल पाते, उन्हें पता होता है कि हमें क्या बोलना है बट वो सही तरीके से उस वर्ड को रख नहीं पाते, और इनके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ओके, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, ये क्या होता है? सर, ये एक तरह के पर्टिकुलर वर्ड्स जो लोग गलत साउंड से बोलते हैं, जैसे कि हम किसी को देखने को मिलता है कि जैसे काजू को काचू बोलते हैं, तो ये डिसऑर्डर वही है। ओके ओके, और डिसआर्थ्रिया, इससे आप क्या समझते हैं? सर, इसमें जो हमारे स्पीच मसल्स होती हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं। okay. जिसे हम स्लो बोल पाते हैं, इस डिसऑर्डर में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, अच्छा मान लीजिए यदि हम किसी पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आप घर पे अपने बच्चे को कुछ थेरेपी करवाइए, तो क्या थेरेपी आप बताना चाहेंगे? सर, पेरेंट्स के लिए बहुत सी थेरेपिस्ट हैं जो बच्चों को करवा सकते हैं, जैसे कि पिक्चर एक्टिविटी। ओके, इसमें होता है कि जैसे कि हम बच्चे को पिक्चर दिखा के उसका नाम पूछे कि किस चीज़ की पिक्चर है, और उससे उल्टा भी कर सकते हैं, हम नाम लें और बच्चे को बोले कि इस जो हम नाम ले रहे हैं उस पिक्चर को पॉइंट करें। okay. और जैसे कि रिड्यूस स्क्रीन टाइम, जैसे बच्चे मोबाइल टीवी का बहुत यूज़ करते हैं, सही बात। हाँ जी, तो उन बच्चों को इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए थोड़ा बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनके साथ गेम्स खेलने पड़ते हैं, जो पेरेंट्स को बोला जाता है कि उनके साथ गेम खेलें, उनका जो ध्यान है वो उस चीज़ पर ना दें, और हम बच्चों पेरेंट्स को बोलेंगे कि वो बच्चों के साथ पेशेंस के साथ उन्हीं बातों को सुने। क्या बड़ों के लिए भी कुछ होम थेरेपीज होती है? यस सर। सर, टैंक थेरेपीज होती हैं, जैसे कि
जैसे हम टंग को होल्ड करें, उसको अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाएं, जिससे टंग की एक्सरसाइज होती है। okay. जैसे मिरर में हम अलग अलग तरह के स्माइलीज फेस बनाकर अपनी माउथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे स्पीक लाउडली, हम किसी वर्ड, किसी पेज को या किसी चीज को वर्ड लाउडली रीड करें। ओके okay. और वर्ड्स गेम भी होता है सर। ओके okay. क्या कुछ टंग की एक्सरसाइज के नेम बता सकते हैं आप? श्योर सर। सर बहुत सी एक्सरसाइज है, जैसे टंग साइड टू साइड, टंग अप एंड डाउन, एंड सेंटेंस प्रोड्यूसिंग, एंड से चीज, एंड किसिंग फेस। ओके, तो ये कुछ एक्सरसाइज हम अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन टू से। यस सर। ओके, देयर आर सम स्टेप्स ऑफ आर्टिकुलेशन थेरेपी, कैन यू टेल दोस स्टेप्स? श्योर सर। सर आइसोलेशन, सिलेबल एंड वर्ड्स, फ्रेश एंड सेंटेंसेस, स्टोरीज एंड कन्वर्सेशन एंड जनरेशन। मोनिका, व्हाट आर द फोर बेसिक स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स? सर इसे SODA के नाम से भी जानते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन एंड एडिशन। यस सर। ओके, चलिए, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स? सर रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव। ओके, व्हाट इज इकोलेलिया ऑटिज्म? सर ASD वाले बच्चों में अक्सर हमें देखने को मिलता है, वो सेंटेंसेस या वर्ड्स को रिपीट करते हैं। ओके, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से। यस सर। ओके ओके, कुछ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के नाम बता सकते हैं आप? श्योर सर, बताइए। सर लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच एंड साउंड डिसऑर्डर, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड एस स्पेसिफिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ओके, वंडरफुल। मोनिका, आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स बताइए जो इस जॉब से रिलेट करती है। सर मैं काफ़ी पैशनेट हूँ, काफ़ी हेल्पफुल नेचर की हूँ, और मैं कॉन्फिडेंट कर लूँ। ओके, और आपकी कोई वीकनेस? सर माई वीकनेस इज आई एम लिटल टॉकेटिव, और मुझे लगता है इस प्रोफेशन में को लोगों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करना होगा, ज़्यादा बातें करनी होगी, तो मेरे लिए एक स्ट्रेंथ साबित होगी। ओके, क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमें? श्योर सर। सर आई एम मोनिका शर्मा, आई एम वेरी सिमिलर टू माई नेम, माई नेम मीन्स गुड एडवाइजर, आई एम बिलोंग टू श्री गंगानगर विच इज़ नॉन फेमस फॉर फूड बास्केट ऑफ राजस्थान। आपकी हॉबीज बताइए हमें। सर माई हॉबीज आर ट्रैवलिंग, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, रीडिंग मोटिवेशनल स्टोरीज। किस तरह के लोगों के साथ आप काम करना पसंद करते हैं? सर मैं हर तरह के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करती हूँ, क्योंकि आई एम एडजस्टेबल नेचर, सो मैं वर्क कर सकती हूँ हर तरह के लोगों के साथ, लेकिन मैं उन लोगों के साथ वर्क करना पसंद नहीं करूँगी जो लोग लेजी हैं, अपने वर्क को लेकर काफ़ी लेजी हैं, लाइट लेते हैं अपने वर्क को, सीरियसली नहीं लेते, उनके साथ वर्क करना पसंद नहीं करूँगी। ओके, आप जानते हैं कि इस वर्क के अंदर बहुत बार ऐसा होता है, कई बार प्रेशर में भी आपको वर्क करना होगा, आपके पास कई बार ऐसे डिसऑर्डर वाले पर्सन आते हैं जिन पर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो कुछ कई बार प्रेशर भी हो जाता है, तो आप ऐसे प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? सर मेरे लिए वर्क फर्स्ट प्रायोरिटी है। okay. और थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं वर्क करना पसंद करूंगी, क्योंकि हमारी ये लर्निंग स्टेज है, पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, और मैं लोगों जो पेशेंट है उनके टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकती हूँ, मैं डे नाइट में भी वर्क कर सकती हूँ सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। okay. आप जानते हैं इस जॉब के लिए कभी आपको आउट ऑफ स्टेशन भी जाना होगा, सिटी स्टेट से भी बाहर जाना पड़ेगा, तो आप मैनेज कर लेंगे? सर जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, क्योंकि ट्रैवलिंग करना मेरी तो हॉबी है, तो मुझे बहुत पसंद आएगा कि मुझे अलग अलग जगह जाकर लोगों के साथ मिलना होगा, उनके कल्चर को जानना होगा, सर मैं एडजस्ट कर लूँगी। आई एम वर्सेटाइल स्टूडेंट, फॉर मी कश्मीर टू कन्याकुमारी इज सेम, मुझे होम सिकनेस नहीं है। ओके, एज अ थेरेपिस्ट हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, हमारे पास और भी बहुत कैंडिडेट्स हैं। सर आई कांट जज अदर्स हु आर स्टैंडिंग इन अ क्यू लाइक मी, बट आई टेल अबाउट माई सेल्फ, आई एम पैशनेट, हेल्पफुल, कॉन्फिडेंट गर्ल। ओके, सो यू आर अ कॉन्फिडेंट गर्ल। यस सर। ओके, मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? सर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं, हो सकता है मुझे में कोई वीकनेस हो जिसे देखकर आप मुझे सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करूँगी, इस पर वर्क करूँगी, और नेक्स्ट टाइम फिर इस इंटरव्यू में आके बैठूँगी और सिलेक्ट होंगी। ओके, इट मींस यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। यस सर, आई बिलीव इन ट्राई अगेन। ओके, वेरी गुड। मोनिका, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? सर मनी डजंट मैटर फॉर मी, जॉब सर्टिफिकेशन आर मोर इम्पोर्टेंट, एंड वर्क मनी डजंट मैटर फॉर मी। सर मेरे लिए मनी कोई मैटर नहीं करती है, मेरे लिए वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मोनिका, कोई वैलिड क्वालिटी आपकी स्पेशल, कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से हम आपको सिलेक्ट करें, कोई ऐसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी? सर आई एम गुड लिसनर एंड गुड एडवाइजर। ओके, सो यू स्टेटेड यू आर गुड एडवाइजर ऑल्सो, तो वो आपके बहुत काम आएगा इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में। अच्छा, मान लीजिए कल आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं कि आपको ऐसे मैनेज करना है, और आपका मन कर रहा है मैं इस बच्चे को अलग तरीके से मैनेज करूं, मान लीजिए आपके सीनियर के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बन रही, तो आप क्या करेंगे? सर मुझे लगता है कि अगर वो मेरे सीनियर्स हैं तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी बात को सुनूंगी, और मैं अपने व्यूज़ भी उनके सामने रखूंगी। okay. कि हम इस तरीके, और मुझे लगता है अगर वो मेरे व्यूज़ को ध्यान से अंडरस्टैंड करते हैं तो शायद हो सकता है वो उसको सपोर्ट ही करें। ओके,
चलिए, आपने जितने भी पॉइंट्स बताए, जितने भी बातें बताई, बहुत अच्छी बताई, और जो टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस थे वो आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। अब समय आ गया हमारे उन व्यूवर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं, और लास्ट में हम एक टिप जरूर देते हैं, और आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, यदि आप स्पीच थेरेपिस्ट बनने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है एक कॉमन क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, और वो ये है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि अपने बारे में तो बताना शुरू करते हैं मगर बाद में अपनी फैमिली पर आ जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ अपनी वीकनेस बताने लग जाते हैं। तो प्लीज आप ध्यान रखेंगे कि जब आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछे तो आप अपने बारे में ज्यादा बताइए, मींस अपनी एजुकेशन के बारे में ज्यादा डिटेल बताइए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा हाईलाइट कीजिए, आपकी हॉबीज बताइए, आपका एम बताइए, आपकी स्ट्रेंथ बताइए, मगर आपकी वीकनेस कभी ना बताएं। कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, सर आई एम अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी, सर जैसा आपने बोला था आई कैन एडजस्ट एनीवेयर, ये एक अच्छा वर्ड है। इसके अलावा आप कह सकते हैं, सर आई एम अ जोवियल पर्सनालिटी एंड आई डोंट लाइक एनीबॉडी टू रिमेन सैड इन माय कंपनी। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, आई एम अ टीम स्पिरिट पर्सनालिटी, आई डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप कहते हैं आप कॉम्पिटेटिव पर्सनालिटी, आई लव चैलेंजेस, तो यू कैन पुट आइसिंग ऑन द केक ऑन योर इंट्रोडक्शन। मोर ओवर, जैसा मोनिका ने आपको बताया कि माई नेम मीन्स दिस एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम, फिर उन्होंने बताया कि मेरे नाम का मीनिंग एडवाइजर है, मुझे एडवाइस करना और हेल्प करना अच्छा लगता है, सेम केस आपके नाम का भी कुछ ना कुछ कोरिलेट जरूर बनेगा आपकी पर्सनालिटी के साथ, आप उसे हाईलाइट कीजिए। डेफिनेटली आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे दोनों चैनल्स को, पीडी क्लासेस और इंट्रो गाइड को। थैंक यू मोनिका फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस इंट्रो, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।